Hi, I'm here. मैं पहुंच गया. अच्छा है. और कैसी हो? ठीक. चलो पहले काम पे लग जाओ, फिर चैट करते हैं. बिजी हो? नहीं बाबा, सामने मोहन जी है, पता है ना उनकी नजर सबके मोबाइल पर होती है. ओके, कैच यू लेटर. ये बार बार आप कैच यू लेटर के मैसेज भेजते हो ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. ओके बाबा, सॉरी. पिछले कई दिनों से रोहित और सुहानी के बीच ये चैट का सिलसिला चल रहा था. वीकली ऑफ और छुट्टियां छोड़कर ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन उन्होंने चैट ना किया हो. हर दिन एक नया बहाना, बस छींक भी आ जाए तो बस मैसेज कर दिया, फिर इलाज के बहाने चैट. आज बाहर जोरदार बारिश हो रही थी और रोज की तरह सुहानी फिर उसी मैसेज का इंतजार कर रही थी. पर देर तक कोई मैसेज नहीं आया. यह देख उसने अपना मोबाइल उठाया और मैसेज कर दिया, पर फिर भी देर तक कोई रिप्लाई नहीं था. सुहानी का उखड़ा मूड देखकर बगल वाली रीमा बोली, क्यों आज मोबाइल खराब है क्या? नहीं मतलब सवेरे से कोई बीप नहीं आई. क्यों, मोहन जी ने पूछा है क्या? तो अपने काम पे ध्यान दो. तभी वहीं गुजरते मोहन बाबू बोले, क्यों सुहानी जी मोबाइल खराब है क्या? नया खरीद लीजिए, बहुत जरूरी चीज है. अब तो सुहानी का पारा सर चढ़ रहा था कि अचानक मोबाइल की बीप बज गई. हाय, मैं पहुंच गया. I'm here. तो हम क्या डांस करें? अरे बाप रे, लगता है इस जोरदार बरसात में कहीं बिजली गिर पड़ी है. पता है सुबह से मेरा मोबाइल नहीं बजा, तो मोहन जी पूछते हैं अगर मोबाइल खराब हो तो नया खरीद ले. अच्छा, पहले उनसे कहो कि वो अपनी 1980 मॉडल की स्कूटर बदल दे. बताया था ना मोहन जी की नजर सबके मोबाइल पर होती है. अरे उनके जमाने में मोबाइल नहीं हुआ करता था, और कहीं उन्हें अभी इश्क हो जाए तो पता चले. अच्छा ठीक है, ये बताओ देर क्यों हुई? अरे यार ये जोरदार बारिश और उस पर ट्रैफिक जाम. और खाने पे चलते हैं? नहीं, आज टिफिन लाई हूँ. ओहो, जैसे टिफिन न लाते तो जरूर आ जाते. हाँ सब पता है ना, तो फिर क्यों पूछते हो? क्यों अपने घर से टिफिन नहीं मिला क्या? अपनी उनके साथ बैठ कर खा लीजिएगा. चलो मैं बिजी हूँ. See you later. जब जब सुहानी रोहित को घर की याद दिलाती तो रोहित गुमसुम हो जाता. एक दिन ऑफिस के अजय बाबू बोले, रोहित जी क्या हुआ, पिछले कई दिनों से आप घर की कोई बात बात नहीं करते हो, भाभी जी से कोई अनबन हो गई क्या? कुछ नहीं यार, बस ऐसे. और आजकल बहुत चैट वैट कर रहे हो आप. रोहित जी पता है ना ये टेक्नोलॉजी बहुत बुरी बला है, क्या कुछ करवा लेती है. अजय जी, हम इस टेक्नोलॉजी का किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं उस पर निर्भर करता है.
हमारे लिए दवा तो आपके लिए दारू। तभी रोहित के मोबाइल पे बीप बज गई और रोहित को झिझकता हुआ देख अजय बाबू बोले, हाँ हाँ ठीक है हम जा रहे हैं। सुहानी का चाय की कप का इमोटिकॉन देख के रोहित ने मैसेज भेजा, और चाय पे चलते हैं? नहीं बिजी हूँ, बस पूछना था चाय हो गई आपकी? रोहित एक बात कहनी थी, शायद अब हमको चैट करना बंद करना होगा। क्यों? रोहित हम शादीशुदा है। तो हम भी तो शादीशुदा हैं, और कहाँ कोई रूल है कि शादीशुदा चैट नहीं कर सकते? रोहित सच्चाई हम जानते हैं, लोग नहीं। तो आप बताओ क्या आप हमसे ऊब गए हो? बात ये नहीं है रोहित। सुहानी हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तो फिर छुट्टियों के दिन और घर जाने के बाद हम चैट क्यों नहीं करते? अगले ही पल सिर्फ धड़कनों की बीप चलने लगी थी। पिछले कई दिनों से चैट का सिलसिला थम सा गया था। दोनों तरफ से कोई भी मैसेज आ जाए तो झट से फोन उठाना और किसी और का मैसेज देखकर नाराज हो जाना, बस यही सिलसिला चल रहा था। रोहित को सुहानी का वही आखिरी सवाल बार बार झंझोड़ रहा था, छुट्टियों के दिन और घर जाने के बाद हम चैट क्यों नहीं करते? रोहित बार बार मैसेज टाइप करता और मिटाता और खुद से कहता, मैं ही क्यों झुकूं, क्या वो मैसेज नहीं कर सकती? वहां सुहानी बार बार अपने मैसेंजर पर टाइपिंग का वर्ड देखकर कहती, बस एक बार मैसेज कर लो, हम नाराज नहीं है आपसे, जब से जवाब दे देंगे। यही सिलसिला कई दिनों तक चला, लेकिन एक दिन जब रोहित रात के खाने के बाद अपनी कॉट के एक छोर पे बैठे कुछ सोच रहा था कि अचानक उसे फिर से सुहानी की वही बातें याद आ गईं। छुट्टियों के दिन और घर जाने के बाद हम चैट क्यों नहीं करते? एक पल की देरी ना करते हुए रोहित ने झट से अपना मोबाइल उठाया और मैसेज भेज दिया, हाय मैं पहुंच गया। अगले ही पल कॉट के दूसरे छोर पे सुहानी की मोबाइल की बीप बज गई। झट से रोहित की ओर मुड़कर सुहानी बोली, देखा हमारे इस चैट की वजह से लोगों ने हमारे रिश्ते को कितना गलत समझ लिया है ना? न जाने क्यों हम छोटी छोटी बातों पे अपना ईगो लेके बैठते हैं और जिंदगी की कीमती रिश्ते खो देते हैं। ऐसी कुछ और कहानियां, दिल को छूने वाली कहानियां, आपकी कहानियां बहुत ही जल्द।